नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार। मैं अपने चैनल आरके वेब में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं लेक्चर उन लोगों के लिए रखा हूँ जो वेबसाइट और ग्राफिक डिज़ाइनर की दुनिया के अंदर बिगिनर्स है, तो और उन लोगों के लिए भी जो एडवांस सीखना चाहते हैं। तो ऐसे में 10 टूल्स बताऊँगा, ऐसी 10 वेबसाइट के URL बताऊँगा जिससे सिर्फ आपको वहाँ पर एडिटिंग करना है और कॉपी पेस्ट करने का काम है, जिससे आप एक्सपर्ट बन सकते हैं वेब डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनर की दुनिया में। ये जो 10 वेबसाइट के URL देने वाला हूँ, यदि आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे 10 दिन तक, आप मेरा भरोसा है कि आप 10 दिन के अंदर जरूर वेब डिज़ाइनर और ग्राफिक डिज़ाइनर के एक्सपर्ट बन सकते हो। तो मेरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा यदि अच्छा लगे। तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र में, वहाँ पर टाइप करना पड़ेगा जस्ट फ्री थीम्स डॉट कॉम। यहाँ पर आपको वर्डप्रेस की सारी थीम्स मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे टाइप कर चुका हूँ जस्ट फ्री थीम, और यहाँ से कोई भी थीम सेलेक्ट करके उसको डाउनलोड कर लूँगा। तो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मेरा होल एंड सोल जैसा वेबसाइट दिख रहा है बाहर, वैसा का वैसा इंटरफेस मेरे PC के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। ये वर्डप्रेस की थीम है जो प्रोफेशनली लोग यूज़ करते हैं, वो वाली थीम से ये जो फ्री में मिलती है। तो मैं इसको वन क्लिक पर डाउनलोड कर दिया है तो मेरे PC के अंदर ही इंस्टॉल हो जाएगी पूरा एनिमेशन। एंगुलर JS विथ jQuery CSS HTML का यूज़ करके ये वेबसाइट बनाई गई है। यहाँ पे जितने भी वेबसाइट है इस URL के ऊपर सारी फ्री है। तो मैं यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक कर रहा हूँ और इसे डाउनलोड कर रहा हूँ। ये zip फाइल मेरा रेडी हो गया है नीचे, ये फाइल रेडी हो गई। अभी ये मेरे PC के अंदर अभी इंस्टॉल हो गई है जस्ट फ्री थीम डॉट कॉम पे। दूसरा URL है द पोपो डॉट कॉम। यहाँ पर मुझे फ्री में PPT, प्रोफेशनल PPT यहाँ पे मुझे मिलेगा, यानी फ्री में मैं डाउनलोड करके अपने PPT को रेडी कर सकता हूँ प्रोफेशनली वे के अंदर। ये PPT फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट्स के अंदर गया, टेम्पलेट के अंदर बहुत सारी टेम्पलेट्स मुझे यहाँ पे मिलेगी, वहाँ पे क्लिक करके इसके डाउनलोड बटन से इसको मैं डाउनलोड कर दूंगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारी टेम्पलेट्स है, इसको मैं डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे इस इमेज के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद एक नीचे एक डाउनलोड का बटन आएगा जहाँ से मैं इस PPT को फ्री में डाउनलोड कर सकता हूँ। ये मेरे PC के अंदर अभी डाउनलोड हो चुकी है। ये PPT वेबसाइट है, प्रोफेशनल PPT वेबसाइट, जिसको मैंने फ्री में डाउनलोड कर दिया है द पोपो डॉट कॉम से। तीसरा URL है फ्री पिक डॉट कॉम। यहाँ से मुझे ग्राफिक के सारे वेक्टर्स, इमेजेस, PSD, आइकन्स, फोटोज सारा फ्री में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ से सिर्फ मुझे उस इमेज का PSD का नाम टाइप करके उसको मुझे डाउनलोड करना है। सपोज मैंने किया ग्लोब, तो मैंने ग्लोब पे क्लिक करके वर्ल्ड ग्लोब को क्लिक करके उस सर्च कर रहा हूँ। वहाँ से मुझे इमेज चाहिए ओनली ग्लोब का। तो ग्लोब का इमेज सर्च करने के लिए मैंने यहाँ पे इसके इमेज के ऊपर क्लिक करके उसके URL को ओपन कर दिया। यहाँ से मैं फ्री डाउनलोड जहाँ पे टॉप पे मैंने लिखा है वहाँ पे जाके मैंने क्लिक किया, और फ्री डाउनलोड पे मैं यहाँ पे फिर से क्लिक कर रहा हूँ पैनल पे, जिससे मेरा फाइल अभी स्टार्ट होने जा रहा है। ये मेरा फाइल zip फाइल रेडी हो गया, यानी ये मेरा इमेज अभी डाउनलोड हो गया है। चौथा URL आता है designmantic.com। designmantic.com क्या करता है, यहाँ से मुझे फ्री में लोगो, 2D लोगो, 3D लोगो प्लस वेबसाइट डिज़ाइन और बिजनेस कार्ड, यहाँ से मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। सपोज मुझे मुझे अपनी कंपनी का एक लोगो बनाना है, तो मैं यहाँ पे लोगो पे सेलेक्ट किया और कंपनी का नाम देने वाला हूँ। सपोज मैंने खुद का अपना नाम दे दिया अपने यूट्यूब चैनल का RK वेब। RK वेब पे क्लिक करने के बाद मैं इंडस्ट्री सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरा इंडस्ट्री आएगा कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके शो माई डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद जो भी लोगो आ रहे हैं उसके ऊपर मैं सेलेक्ट करके इसको मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इसका URL ओपन हो रहा है, उसका इंटरफेस ओपन हो रहा है। यहाँ पे मेरा लोगो अभी बन चुका है। इसके अंदर जो भी मुझे चेंजेस करने, कलर चेंजेस वगैरह मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे इसके इंटरफेस के अलावा इसके बिजनेस कार्ड, वेबसाइट के अलावा के भी URL मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मैं वहाँ पे क्लिक ना करके उससे मुझे लोगो का कलर चेंज करना है, तो वहाँ पे ऊपर मैंने क्लिक बताया था वहाँ पे कलर करके इसको इंटरफेस को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं गूगल वेबसाइट, उसका गूगल का अपना ईमेल ID यहाँ पे सेलेक्ट करके उसके लोगो को डाउनलोड कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरा डाउनलोड कंटिन्यू करके मैं इसको डाउनलोड कर दिया।
चौथा पांचवा यूआरएल आता है unsplash.com। इस पे यहाँ पे HD फोटोज़, फ्री में हाई रिजोल्यूशन इमेजेस, स्टॉक फोटो, ट्रेवल फोटो, बिजनेस फोटोज, नेचुरल फोटो, सारे फोटोज जो HD के अंदर है वो सारा आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक, मुझे HD फोटोज़ चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके HD फोटोज़ को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रोफेशनली आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसके लिंक पे क्लिक करके फोटोज़ डाउनलोड कर रहा हूँ। ये क्रिस्टल क्लियर फोटो, एकदम प्योर HD फोटो, यानी 4K साइज़ के फोटो मिले आपको। यहाँ पे मैं क्लिक करके इसके इमेज फाइल को डाउनलोड कर रहा हूँ, ये मैंने डाउनलोड कर दिया। नेक्स्ट नंबर पे आपका आता है फ्लैट आइकन। फ्लैट आइकन क्या करता है, यानी सपोज आपकी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे आइकन्स की जरूरत पड़ती है, वेबसाइट के अंदर, ब्रोशर के अंदर, फ्लायर बनाने हो, तो यहाँ से आइकन में सेलेक्ट करके उसके कलर को भी चेंज कर सकता हूँ, फ्री में डाउनलोड भी कर सकता हूँ। तो मैंने इसके आइकन को ओपन किया, ये PNG, SVG, JPG कोई भी फॉर्मेट में लेगा। यहाँ से मैं इसके कलर को चेंज कर रहा हूँ, जिससे आइकन का कलर चेंज हो रहा है। चेंज करने के बाद इसके साइज़ को भी मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसको PC के अंदर फ्री डाउनलोड अभी करने जा रहा हूँ। तो ये एक JPG, PNG, SVG इमेजेस किस में भी सेलेक्ट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मेरा इमेज रेडी हो गया और आप इसे वेबसाइट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। सातवें नंबर का URL है animes.com। animes.com यानी आपको एनिमेशन कार्टून बनाना हो, कोई मूवी बनाना हो, कुछ कंपनी के लिए इंट्रो बनाना हो, वो भी कार्टून एनिमेशन के द्वारा, तो इससे फ्री में आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी एनिमेशन, कार्टून एनिमेशन ओनली, कंपनी के इंट्रोज वगैरह, जैसे आपने फेसबुक पे भी देखा होगा बहुत सारे कार्टून एनिमेशन आते हैं जो कंपनी के इंट्रो के लिए बनते हैं, वो यहाँ से फ्री में आप बना सकते हो। उसके फेशियल फीचर्स वगैरह जो भी देना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आठवां नंबर है फिल्मोरा, यानी आप प्रोफेशनल किसी वीडियो को एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से इस लिंक के द्वारा एडिट कर सकते हो। और मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दिए इन सब के वेबसाइट के URL को। नौवें नंबर पे आपको कुछ सर्विस बॉक्स, यानी वेबसाइट के लिए सर्विस बॉक्स बनाना है, यानी एनिमेशन वाले, होवर वाले, इफेक्ट वाले एनिमेशन के सर्विस बॉक्स बनाना है जो आपकी वेबसाइट को अट्रैक्टिव लुक दे सके। तो यहाँ से फ्री में डाउनलोड आप कुछ भी कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ, बहुत ही एनिमेशन वाले, ये ऑनली प्योर CSS सर्विस एनिमेशन बॉक्स है, इसमें jQuery का यूज़ नहीं किया गया है। मैं होवर कर रहा हूँ, बहुत अच्छे लुक्स वाले सर्विस बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आप टेम्पलेट यानी वर्डप्रेस के अंदर, आप एप्लीकेशन के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, कहीं पे भी यूज़ करना चाहे आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छे इफेक्ट वाले CSS है, सिर्फ आपको वन क्लिक के ऊपर इसको डाउनलोड कर देना, PC के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, ब्राउज़र के आप जाके इसको एनिमेशन को देख सकते हैं। ये मैंने सिर्फ इसके एनिमेशन को दिखा रहा हूँ। ये सर्विस शोकेस एनिमेशन है। और 10 नंबर पे आता है एडमिन डैशबोर्ड थीम्स, यानी फ्री में एडमिन डैशबोर्ड की थीम को कैसे डाउनलोड किया जाता है। ये एंगुलर जीएस की थीम है, मैं इसके URL पे जा रहा हूँ, creativeteam.com पे। तो यहाँ से मैं इसके फ्री एडमिन डैशबोर्ड थीम है इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। आपको फ्री डाउनलोड पे क्लिक करके गूगल अकाउंट को आपको कनेक्ट करना है। तो ये मैंने गूगल अकाउंट कनेक्ट करके इसको फ्री डाउनलोड फिर से मैंने क्लिक किया, फ्री डाउनलोड पे जाना, और फिर से मैंने क्लिक किया तो इसका जिप फाइल मुझे जनरेट हो जाएगा और ये प्रोजेक्ट आपके PC के अंदर अभी डाउनलोड हो रहा है। तो ये मैंने 10 वेबसाइट के URL बताए, तो प्लीज़।